नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश और आज हम बात करने वाले हैं प्रिंटर के टाइप्स के बारे में। प्रिंटर कितने प्रकार का होता है और बेसिकली इसका स्पीड क्या होता है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या हो दोस्तों कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो हमारे पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन। इससे क्या हो दोस्तों कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रिंटर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो टाइप्स के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर के भी टू टाइप्स होते हैं, डिजिबल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भी बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी टू टाइप्स के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। मैं डायग्राम इसलिए आपके सामने लाया हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इसे ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश। तो प्रिंटर होता क्या है? प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट प्रोड्यूस द हार्ड कॉपी ऑफ आवर रिजल्ट और इंफॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर वी गेट द रिजल्ट ऑन अ पेपर आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। प्रिंटर के जरिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी जो होता है हमारे डिस्प्ले में जो दिखाई देता है स्क्रीन पे वो सॉफ्ट कॉपी होता है। अगर उधर यूज करते हैं प्रिंटर के जरिए ऑन अ पेपर वो हमारे हार्ड कॉपी होता है। तो आफ्टर प्रोसेसिंग जो हम प्रिंट करते हैं प्रिंटर के जरिए वो हमारा हार्ड कॉपी होता है। जैसे कि प्रिंटर प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली अ प्रिंटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकेंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो पहले मैं आप लोगों को इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बतला देता हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर, द इम्पैक्ट प्रिंटर कंसिस्ट मैकेनिकल हेड पिंस हार्ड मोड सिपॉन ईटीसी, इट प्रोड्यूसेस नॉइस। द इम्पैक्ट प्रिंटर आर वेरी स्लो एंड द प्रिंटिंग क्वालिटी इज नॉट सो गुड एज यू लाइक। इस प्रिंटर की जो खासियत है दोस्तों कि इसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर होता है, यानी कि खराब होता है, और इसकी जो स्पीड है वो भी स्लो होता है, और इसमें मैकेनिकल प्रोसेस जो कि कंसिस्ट और हेड पिंस हैमर इसमें लगे होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में आप लोगों को बात करता हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर भी टू टाइप्स के होते हैं। द इम्पैक्ट प्रिंटर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैरेक्टर प्रिंटर और सेकंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या है आप लोगों को बता देता हूँ। कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स लेटर बाय लेटर, द स्पीड मेंश्योर्ड इन सीपीएस, देयर स्पीड वेरी फ्रॉम 12 सीपीएस टू 600 सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड, यानी कि 12 कैरेक्टर पर सेकंड से 600 यानी कि 600 सीपीएस कैरेक्टर तक ये प्रिंट कर सकता है। लाइन प्रिंटर, इट प्रिंट द कैरेक्टर लाइन बाय लाइन, सो देयर स्पीड इज मेंश्योर्ड इन एलपीएम लाइन पर मिनट, द स्पीड वेरी फ्रॉम 300 टू 1800 एलपीएम। लाइन प्रिंटर जो है 300 से 1800 लाइन पर मिनट तक प्रिंट कर सकता है। कैरेक्टर प्रिंटर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैरेक्टर प्रिंटर भी टू टाइप्स के होते हैं। डिजिबल प्रिंटर द प्रिंटिंग स्पीड वेरी फ्रॉम 12 टू 60 सीपीएस, प्रिंट की जो स्पीड है वो 12 सीपीएस से 60 सीपीएस है, 12 कैरेक्टर पर सेकंड से 60 कैरेक्टर पर सेकंड तक एक डिजिबल प्रिंटर प्रिंट कर सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, द प्रिंटिंग स्पीड वेरी फ्रॉम 50 टू 500 सीपीएस। बेसिकली ये दोनों प्रिंटर का यूज बेसिकली बहुत ही कम है, तो इसके लिए मैं शॉर्ट में इसको बतलाया हूँ। अगर आप इन दोनों टॉपिक पे बताएं मैं आप लोगों को इसका डिटेल्स बतला दूंगा। लाइन प्रिंटर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइन प्रिंटर भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट चैन प्रिंटर इज हाई स्पीड प्रिंटर, इट हैज अ स्टील बैंड दैट आर क्लोज इन अ सर्कुलर, इट कैन प्रिंट 300 टू 2000 एलपीएम। चैन प्रिंटर जो है 300 से
2000 लाइन पर मिनट प्रिंट कर सकता है। ड्रम प्रिंटर, अ ड्रम प्रिंटर इज आल्सो हाई स्पीड प्रिंटर। इट हैज अ सिलैंड्रिकल ड्रम दैट हैज 132 कैरेक्टर ऑन अ पोजीशन। इट कैन प्रिंट 500 टू 2500 रोटेट पर मिनट। ड्रम प्रिंटर इसकी जो है इसमें सिलेंड्रिकल ड्रम लगा होता है और ये 500 से 2500 रोटेट पर मिनट, एक मिनट में 500 से 2500 पर मिनट कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, द नॉन इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर इमेज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। द नॉन इंपैक्ट प्रिंटर स्पीड इज मेजर्ड इन ppm पेज पर मिनट। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो है ये इमेज और डॉक्यूमेंट दोनों प्रिंट कर सकता है नॉन मैकेनिकल प्रोसेस, बिना मैकेनिकल प्रोसेस के, और यह जो है पेज पर मिनट, एक मिनट में एक पेज को प्रिंट करता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर भी टू टाइप्स का होता है, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है कलर प्रिंटर होता है, इस प्रिंटर से कलर वाला डॉक्यूमेंट्स या फिर इमेज या डॉक्यूमेंट्स कलरफुल स्टाइल में आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि इस टॉपिक पे बात कर ही लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर इज अ वेरी पॉपुलर प्रिंटर टू प्रिंट द पिक्चर और इमेज टेक्स्ट इन अ कलरफुल स्टाइल। इंकजेट प्रिंटर हैज टू कैटरेज दैट इज ब्लैक एंड थ्री कलर RGB, रेड ग्रीन और ब्लू, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। द कलर्स आर इन द फॉर्म लिक्विड सो आफ्टर प्रिंटिंग अ पिक्चर द पेपर गेट मॉइस्चर। इट कैन प्रिंट अप टू 1 to 4 पेज पर मिनट। ये इंकजेट प्रिंटर 1 to 4 पेज पर मिनट प्रिंट कर सकता है और आफ्टर प्रिंटिंग के बाद इसमें मॉइस्चर होता है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है जिस लिक्विड फॉर्म से इमेज डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है। इस प्रिंटर की मदद से आप टेक्स्ट या फिर इमेज दोनों डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कलरफुल स्टाइल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेजर प्रिंटर, अ लेजर प्रिंटर इज द फास्टेस्ट प्रिंटर एवर मेड। इट इज सिमिलर टू जेरोक्स कॉपियर मशीन, दैट मीन्स इट प्रोड्यूस द आउटपुट बाय हिटिंग द सिलेंड्रिकल ड्रम विच इज फिल अप विद द ड्राई ब्लैक इंक पाउडर। द कैरेक्टर और इमेज क्वालिटी इज टू मच शार्पर एंड क्लियर than that of other printer, but the printing is not used for printing the image because it does not produce color. Laser printer जो है आप इस printer ये बहुत ही fastest printer है, आप इस printer की मदद से document print कर सकते हैं, but ये जो printer है colorful style print नहीं कर सकती है, इसमें black ink powder होता है, इसमें कोई ink नहीं होता है, इस powder की मदद से यह dry ink powder इसमें भरा हुआ होता है और ड्राइंग पाउडर के मदद से ही है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है। इस प्रिंटर की मदद से आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं विदाउट कलर, आप कलर में प्रिंट नहीं कर सकते हैं लेजर प्रिंटर की मदद से। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।